उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड राज्य को क्यों नहीं दिया, जबकि राज्य सरकार की तरफ से फंड का सही इस्तेमाल न किए जाने पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी आलोचना की है कि वन विभाग के अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी में क्यों लगाया गया। कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। उत्तराखंड में जंगलों की आग सरकार और वन विभाग दोनों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और राज्य की मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। राज्य के जंगलों में लगी आग पर पिछले 24 घंटे से 3 घटनाएं वनाग्नि की दर्ज हुई हैं, और अगर पूरे फायर सीजन की बात करें तो अब तक 1068 वनाग्नि की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इसमें 1442 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। साथ ही इन वनाग्नि की घटनाओं में राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान भी हुआ है। वहीं अब तक वनाग्नि में 4 घायल और 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जंगलों की आग इतनी ज्यादा विकराल हो चुकी है कि राज्य को सेना और NDRF की मदद लेनी पड़ रही थी। अब फिर मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिन शुष्क रहने की बात की है और तापमान में वृद्धि होने की भी चेतावनी दी है, जिसके बाद वन विभाग फिर से हरकत में आ गया है और जंगलों की आग को लेकर अपने कार्य योजना बनाने लगा है कि किस प्रकार से जंगलों की आग पर नियंत्रण पाया जाए। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना की माने तो राज्य सरकार शुरू से ही इस मामलों पर ढूल मूल रवैया अपना आती रही है, और यही वजह है कि कोई ठोस कार्य योजना ना होने के चलते राज्यों को जंगलों की लगी आग से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहने के बावजूद भी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका खुलासा कर दिया। हमने तो कहा था कि आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आपदा के मद में जो पैसा वनाग्नि को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, यंत्र खरीदने के लिए, तमाम उपकरण खरीदने के लिए जो पैसा देना चाहिए था, वो राज्य की सरकार को ने खर्च ही नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट तलब कर रही है अगर चीफ सेक्रेटरी को, तो इससे बड़ा राज्य की सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह क्या होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा की माने तो राज्य में चुनाव के दौरान ही फॉरेस्ट फायर की घटना ज्यादा बड़ी थी। ऐसे अगर वन विभाग के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगी तो उनके पीछे भी चुनाव आयोग के निर्देश थे। भाजपा नेत्री ने कहा कि सरकार ने हर संभव प्रयास किए थे, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है वो सभी को मान्य हैं, लेकिन जिस समय आचार संहिता लगती है, मुझे लगता है कि हमारा चुनाव आयोग प्रभावी हो जाता है और जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं सब उसी के अधीन हो जाते हैं, तो ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इसमें सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार को तो, सरकार ने तो पहले ही एक पत्र लिख करके चुनाव आयोग को ये इंकित कर दिया था कि प्रदेश के जो हमारे वन अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको जो है आजाद छोड़ा जाए, लेकिन अगर वो चुनाव अधिकारियों के ऊपर होता है कि वो किसकी ड्यूटी कहाँ लगाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो चुनाव आयोग जवाब देंगे। इसमें सरकार का कहीं तक भी कोई रोल नहीं है।